टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब कुछ बात करते हैं मईशत की, क्योंकि मुल्की मईशत की जो गाड़ी है वो इस्तेहकाम की शाहरा के ऊपर ही चढ़ रही है और मतलब चली जा रही है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से $2 अरब तरसलात भेजने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। अच्छा, 13वें महीने की हम बात करें, तारकीन हमवतनों ने $2.68 अरब पाकिस्तान भेजे हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जून की तरसीलत शामिल कर लेने के बाद हम माली साल की बात कर रहे हैं तो तरसीलत 29 अरब 37 करोड़ रही हैं। अच्छा, जो माली साल 2000 अगर गुज़श्ता माली साल की बात करें ना तो उसके मुकाबले में 27% उससे ज़्यादा है। गुज़श्ता माली साल में तरसीलात ज़र का हजम जो है वो $23 अरब जो है वो था, अब 27 हो गए, यानी कि इंक्रीज़ हुआ है। एक अच्छा जो है वो पॉजिटिव। अच्छा, हम बात करते हैं ना तो सऊदी अरब में जो मुकीम पाकिस्तानी है उन्होंने 7 अरब 66 करोड़ की तरसीलात भेजी हैं। मुत्तहिद अरब अमारात में जो हैं उन्होंने 6 अरब 61 करोड़ जबकि दीगर गल्फ़ ममालिक से 3 अरब 30 करोड़ तकरीबन जो हैं वो मौसूम। अच्छा, माली साल 2021 में बरतानिया से अगर हम बात करें तो $4 अरब, अमरीका से $2 अरब 75 करोड़ और यूरोपीय यूनियन से $2 अरब 70 करोड़ की तरसीलात हमें मौसूल हुई हैं। अच्छा, जो एक साल में हम बात करें तो बिल तरतीब अगर देख लें तो 58, 58 और 52% जो हैं वो बड़ी हैं, तो ये एक सारी सूरत हाल है। वज़ीर-ए-आज़म भी बार बार तरसीलात ज़र का जो है जिक्र कर रहे होते हैं। हम सूरत हाल जान लेंगे, मारूफ़ मौशी तज़िया का डॉक्टर इकरामुल हक साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, हुकूमत के ऐसे कौन से इकदाम थे जिनसे तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है? जी देखिए, जहाँ तक इस हुकूमत का ताल्लुक है तो मैं तो उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसको बढ़ाया है और जो भी फिगर्स को आपने सारी बता दी, मगर आप देखिए कि हमारी टोटल एक्सपोर्ट जो इस साल हुई है इसी पीरियड की वो सिर्फ 25 बिलियन के करीब है, जबकि यहाँ से हमें आप देख रहे हैं कि हमने 29.37 बिलियन डॉलर यानी कि इकट्ठे किए हैं जी। तो इसमें तीन चीज़ें बड़ी अहम थी। पहला ये कि बहुत से, तो आपको पता है कि ट्रैवल बैन लगे हुए थे तो लोग जो थे वो उसने ज़्यादा रकम पाकिस्तान भेजी है और पहले वो बाहर ज़्यादा ट्रैवल करते थे और यहाँ भी आते थे तो उनका जो वो कॉस्ट थी बची। दूसरा ये कि बैंकों ने इसके अंदर बहुत अच्छा जो है वो रोल प्ले किया है। बैंक हैं, जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, इसके अलावा जो और ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड किए गए हैं, अब आप घर बैठे अपनी ऐप से पैसे भेज सकते हैं। इन सारी टेक्नोलॉजिकल जो इंटरवेंशन स्कीम ने बहुत काम किया। फिर हुकूमत ने बहुत ज़्यादा इसमें आगाही के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हमारी फाइनेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने, स्टेट बैंक तीनों ने मिलकर बाहर ये इसकी एक बहुत अच्छी कंपेन चलाई कि अगर आप ऐसा हुंडी और हवाले के बजाय रेगुलर से भेजेंगे तो इसके आपको बहुत फायदे होंगे। इसने बहुत बड़ा काम किया है और ये जो पाकिस्तान रेवेन्यू, ये पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव था, इसने 2009 से अब जो पहले तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे थे, मगर अब आपने एक और चीज की तरफ गौर किया होगा कि रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए अब पाकिस्तान बैठकर बगैर यहाँ आए अपने अकाउंट्स खोल सकते हैं। उन अकाउंट्स के बारे में तो किसी किस्म की उनको फिजिकल जरूरत नहीं है, उसमें जो भी पार्टनर बैंक है वो जाकर स्टेट बैंक पाकिस्तान की साइट पर देखा जा सकता है और वहीं बैठकर आपका अकाउंट जो है वो जो एक्टिवेट हो जाता है, तो उसको भी रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए लोगों ने बहुत ज्यादा फॉर्मेट भेजी। सही। अच्छा इकरामुल हक साहब, अगर हम देखें प्रीवियस ईयर में बात करें तो प्रीवियस ईयर में 23% था इजाफा और अब की बात करें तो 27% है। अगले साल क्या देख रहे हैं, तरसीलात ज़र में मज़ीद कितना इजाफे का इम्कान है? जी, मेरा ख्याल है कि इसमें इसी रफ्तार से जो इजाफा जो है हम आगे ये तवक्को कर रहे हैं कि अभी तो रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी जो यहाँ पे ये नए ऐप्स ला रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें ला रही हैं और जब वो आम आपके जब मोबाइल खरीदें तो उसके अंदर ही वो एम्बेडेड भी है, उसके अंदर ही वो मौजूद होगी और लोगों को उसको बहुत आसान तरीके से बाहर से पैसा भेजा हुआ बहुत आसान होगा, तो मेरा ख्याल है कि ये हम इसमें 30 से 35% की जो ग्रोथ है वो एनुअल देख सकते हैं और इसका सारा क्रेडिट जो है वो इस हुकूमत को जाता है, क्योंकि आप देखिए कि इतना जो जरे में बात ला लोग कहते थे कि जी ये एकदम बंद हो जाएगा और पाकिस्तान के जो है वो फॉरेन एक्सचेंज ड्राइव हो जाएंगे, इनमें कुछ नहीं रहेगा, सारे बड़े बड़े मशहूर और मरूफ तजियाकार इसके बारे में यही कहते थे, जबकि हकीकतन कुछ लोगों ने जिसमें मैं भी शामिल था हम ये कह रहे थे कि नहीं, इससे हमारी
इन कोविड के ज़माने में, बल्कि तफसीलात ज़्यादा बढ़ेंगी और आप ये नतीजा जो है वो जून का हमारे सामने बिल्कुल मुलाजिम का आ गया है। आपके दादाशाह जो आपने बताए वो मैंने अपने तौर पर भी रात को जो है वो वेरीफाई किए स्टेट बैंक से, उन्होंने कहा हम बैंकों को इसमें बहुत इनिशिएटिव लेने के ऊपर उनको इसमें जो है कुछ कंपनसेशन भी दे रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान रेवेन्यू इनिशिएटिव है ये सिर्फ कोई नाम की चीज़ नहीं है, बाहर के मुल्कों के अंदर उन्होंने बहुत सी कंपनियों को, रेडियो कंपनीज को और जो एडवर्टाइज करते हैं उनको कहा कोई अगर वहाँ टैक्सी चला रहे हैं है। तो वो उस रेडियो करता है तो उसको पता चलता है कि वो उसका पाकिस्तान में ये अकाउंट खोलते या अकाउंट ना भी खोले तो एक आसादा सी ऐप के जरिए वो पाकिस्तान में डिजिटल प्लेटफॉर्म से वहीं से पैसे भेज सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक तनकीद हो रही है इस सारे मामले के ऊपर, वो ये कहा जा रहा है कि क्या हम तरसीलात ज़र पर ही डिपेंडेंट रहेंगे, मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्यों नहीं बढ़ाया जाता, हम यही सोचते रहेंगे और आस लगाए बैठे रहेंगे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वही पाकिस्तान में पैसे भेजते रहें। जी पहली बात तो ये है कि देखिए वो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं और उनको वज़ीर आज़म मुहतरम जो है वो चाहते हैं कि पूरे वोटिंग का राइट भी दिया जाए और बल्कि आइन में उनको नियम करके उनको यहाँ पे अगर वो आकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनना चाहें तो किया जा सके। दरअसल कार मुल्क में आप देखें चीन की तरक्की में भी यही था कि उनके पास बहुत से लोग बाहर गए और उन्होंने वहाँ से बहुत तहसीलें ज़ाहिर भी किया और फिर वहाँ आकर खुद इंडस्ट्रियाँ भी लगाए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो पैसा आ रहा है ये पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ कई कुंभों को पालना है बल्कि बहुत सी जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक एक्सचेंज पे हो, बाकी जो हाइजीनिंग है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उसमें भी खर्च हो रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि ये वो गैर पैदावारी किस्म की जो है वो तरसीलात ज़र है, वो पैसा आके यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं जिनको उनके जो कारोबार से पैसा भेजते हैं तो वो यहाँ उनको मुनाफा बख्श चीज़ों में लगाएंगे और इस पर आगाही थोड़ी सी हम और ज़्यादा करेंगे तो ये पैसा जो है हम अपने ज़रूरी सेक्टर को, दूसरे अपने सेक्टर को बेहतर करने में इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा इकराम उल हक साहब, जिस तरह से आप पॉजिटिव इतने इंडिकेटर्स दे रहे होते हैं तो आवाम जो कहती है कि हमारे उनके उनको कोई फ़ायदा डायरेक्ट नहीं पहुंच रहा होता, तो आवाम कहती है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आवाम तक डायरेक्ट फ़ायदा नहीं जा रहा, कौन से ऐसे मसाइल बीच में हायल हैं? जी दरअसल देखिए इतना पैसा बाहर से आ जाने की वजह से हुकूमत को तो उस तरह से लोगों को जैसे बाहर पैसे मिले हैं जिन घर में बैठे हुए हैं तो उनको आ रहे हैं तो उनका खर्चा कम हो रहा है तो वो पाकिस्तान भेज रहे हैं। तो हमारा जो महसूलात का निज़ाम है अगर हम उसको दुरुस्त करें, सादा कर लें, उसका रेट कम कर लें तो फिर हमारी हुकूमत भी इतना पैसा इकट्ठा कर सकेगी कि जब कोई तंगदस्ती का ज़माना इस तरह का आ जाए, कोई मुसीबत का ज़माना आ जाए तो बजाय कर्जों पर हिसार करने के हमारे पास अपना जो है वो महसूलात का इतना पैसा हो कि वो हमारे जारी अखराजात को भी पूरा कर सके, हमारे जो तरक्याती प्रोग्राम है उनको भी, और मुश्किल हालात के लिए हमें फंड बना के रखने चाहिए। ये सोच आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि वहाँ मौजूद है तो हमारे यहाँ क्यों मौजूद नहीं है। उस हालात में भी वहाँ लोगों को पैसा मिलता रहा और चूंकि उन्होंने कोई ट्रैवलिंग नहीं की, कोई उनका अजाफी खर्चा नहीं हुआ तो वो पैसा उन्होंने पाकिस्तान भेज दिया। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा जिस तरह से इकरा बात कर रही थी कि आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रही है, आम आदमी तो महंगाई से इस वक्त जंग लड़ रहा है और हुकूमत भी ये चाह रही है कि महंगाई को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या अभी भी कोई हमारी पॉलिसीज़ में खामी है कि वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है? जी उसमें दो चीज़ें बहुत अहम हैं, एक तो हमारी जो लागत है वो बहुत ज़्यादा है बिजली की आपको पता है और पेट्रोल की या डीजल की, ये दो चीज़ें होती हैं जो हर चीज़ में इस्तेमाल होती हैं, इनका गल्ला पैदा कर लेंगे तो मार्केट तक लाने के लिए आपको जाहिर है कि जो ट्रैक्टर जो हमारे ट्रालियाँ हैं और इस तरह की जो चाहे बड़ी ट्रालियाँ उनमें सब में डीजल ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो उससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर हमने उसके ऊपर पेट्रोलियम लैडी लगा दिया, बिजली का तो आप और गैस का तो आप देख रहे हैं कितनी महंगी है। तो हमारे यहाँ महंगाई इस वजह से नहीं है कि लोगों के पास जो है पैसा ज़्यादा है और चीज़ें कम है, बल्कि इस वजह से है कि पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा है। हमें अपनी जो है सबसे ज़्यादा तवानाई के मसले को हल करना चाहिए, टैक्सों के निज़ाम को इतना ज़्यादा 17% टैक्स लेने के बजाय हर एक से अगर 8% सेल टैक्स ले लिया जाए तो ना इससे 4 गुना ज़्यादा बल्कि हमें मिल जाएगा, उससे चीज़ों की कीमतें भी सस्ती हो जाएंगी। तो हुकूमत को अपने जो
खुद वसाइल हैं उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि वो वसाइल बढ़ा सकते हैं, मगर अगर वो टैक्स के निज़ाम को सादा कर दें और उसको मसावी कर दें और सूबे और वफाक मिलकर इकट्ठे टैक्स इकट्ठा करें और उसकी शरह कम करें तो लोग भी खुश होकर टैक्स भी देंगे और फिर उनका फ़ायदा भी नज़र आना चाहिए कि तालीम के मैदान में और सेहत के मैदान में उनको अपनी तरफ से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा बल्कि वो भी हुकूमत ही दे रही होगी। तो इसमें सूबाई हुकूमतों का भी कसूर है कि उन्होंने मकामी हुकूमतों का क्याम नहीं किया, जहाँ पे ये मकामी हुकूमतों का होता है कि वो तालीम को सेहत को आपके करीब कम्यूनिटी रह रही होती है, वहाँ सड़कें अच्छी होती हैं, वहाँ जिम्स होते हैं, वहाँ आपकी मस्जिदें खूबसूरत होती हैं, वो एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होती है, वहाँ लोग जाकर एक दूसरे से मिलते हैं, बैठने के लिए बड़ी अच्छी जगह होती है, तो उससे हमारे लोगों का लाभ भी बढ़ेगा, मिलकर वो सोचेंगे कि हमने माशी तरक्की भी कैसे करनी है, जो पीछे रह गए हैं लोग उनको वहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स बना सकते हैं। तो अगर हम मकामी हुकूमत को सही तरीके से फॉल करें, जैसे कि आइन की हमारी आर्टिकल 148 में लिखा हुआ है कि उनको आप सियासी भी इंतजामी भी और जो मालियाती है ये सारे का सारा जो है उनको डिवॉल्व करेंगे, यानी उन तक ये जो है वो पावर्स ट्रांसफर करेंगे, मगर ये ऊपर जो हमारे सरकार बैठे हुए हैं इस वक्त शायद सूबाई असम्बली में हो या वो नेशनल या सेनेट में हो, वो नहीं चाहते कि ये जो अवाम के पास जो इकतदार चला जाए, जिस दिन अवाम के पास इकतदार चला जाए तो जाहिर है वो भी जो है अपनी मर्जी से हासिल नहीं कर सकेंगे, जो मकामी सतह पर जो भी पार्टी ज़्यादा अच्छा किरदार अदा करेगी उसी को सूबाई और हमारी कौमी सतह पर ज़्यादा वोट मिलेंगे। ठीक है, अच्छा इकरामुल हक साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि रेमिटेंसेस पर हम ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं, पाकिस्तान को अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इस वक्त? ये सबसे ज़्यादा तो देखिए हम अब ज़रात में, पहले एक ज़माने में हम खुद कफील ही नहीं होते थे बल्कि यहाँ से बाहर बरामदात भी करते थे, अब हम इस वक्त जो है वो कपास तो खैर बहुत अच्छे से हम पैदा नहीं कर रहे हैं, अब देखें जो सारा हमने जोर लगा दिया उसके ऊपर कि हम शुगर जो है वो करेंगे पैदा, मगर अब उसको भी हम इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया, कभी एक्सपोर्ट करके वो सब्सिडी कमा ली लोगों ने, अब वो कहते हैं जी हमने तो कोई जुर्म ही नहीं किया, हुकूमत ने क्यों उनको एक्सपोर्ट के सब्सिडी दी, अगर यहाँ की तो आपने देखा कि दलदल तक जो हमारे ऊपर सारे लोग जो कम से कम यहाँ का स्टेपल है फूड है वो तो दो ही है, दलदल है आपकी और चावल है, उसके अंदर भी हम लोग जो है खुद कफील नहीं रहे, तो सबसे पहले तो हमें अपनी फूड सिक्योरिटी के बारे में तवज्जो देनी होगी और यहीं से अगर हम नेचुरल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से फार्मिंग करें तो जो इस वक्त पैदावार ले रहे हैं हम उससे कई गुना ज़्यादा ले सकेंगे, और इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो एक माहिर आसिफ शरीफ साहब हैं उनको जो है ये काम दे देते हैं, उन्होंने नेचुरल तरीके से बगैर फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए, बगैर पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए, बगैर इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल किए वो पैदावार ली है और बीज कम डालकर उनसे 10 गुना ज़्यादा वो पैदावार ले रहे हैं, जब एक दफ़ा हम ज़रूरी तौर के ऊपर तरक्की करेंगे तो वहीं से जो रॉ मटेरियल निकलेगा उसको हम आगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पे लगा सकते हैं, जैसे हमारी अगर टेक्सटाइल यही बजाय यार्न बेचने के क्लॉथ बेचने के ये अगर बांग्लादेश की तरह गारमेंट्स बेचना शुरू कर दे तो ये हमारी एक्सपोर्ट वहीं पर कई गुना हो जाएगी, तो आपका एग्रो बेस्ड अगर आप अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे तो लोग भी भाग के आएंगे, उनको वहाँ मुलाजमत भी मिल जाएगी, जब सर्दी शोभा और जरिए शोभा आपस में मुताबकत रखेंगे तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी माशी ताकत बन सकता है। ठीक है डॉक्टर इकरामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, सबसे मेरे पास से आप बात कर रहे थे और मुआशी मामलात के हवाले से बता रहे थे कि किस तरह से बेहतरी आ सकती है और ये रेमिटेंसेस का आना गवर्नमेंट की कामयाबी है। बिल्कुल ऐसे ही है, स्पेशली अगर हम बात करें रोशन डिजिटल जो अकाउंट है उसके थ्रू भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है रेमिटेंसेस में, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी अच्छी खबरें जो इकोनॉमी के हवाले से आती रहें, मईशत के हवाले से आती रहेंगी। खैर हम आगे बढ़ते हैं और ईद उल अज़हा करीब आ रही है और मवेशी मंडियों में रश बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन खरीदो फरोख्त के हवाले से अभी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग अभी देखने पर मजबूर हैं, बहुत कम लोग हैं जो खरीदारी भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम बात कर लेते हैं, फहीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं, बकरा मंडी में मौजूद हैं इस वक्त, उनसे सूरत हाल के वहाँ पर क्या सूरत हाल है, फहीम बताइएगा इस वक्त क्या गहमा गहमी देख रहे हैं या फिर लोग जो है वो सिर्फ आ रहे हैं और देख रहे हैं और जा रहे हैं कीमतें पूछ कर, जो कीमतें खरीद है जानवर उनकी, जो लोग हैं शहरी हैं उनकी खरीद में है, उनकी पहुँच से दूर तो नहीं है? वैसे तो ये बात कोई थोड़ी मुश्किल है कि उनकी पहुंच से दूर नहीं है।
जी इकरा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अभी आज लोगों का रश तो इतना नज़र नहीं आ रहा, गो के मौसम जो है काफ़ी बेहतर है। जो आज से 3-4 दिन पहले 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा हुआ था दर्जा हरारत, तो मौसम तो खूबसूरत है, सुहाना है। लोग यहां पर मंडियों का रुख भी कर रहे हैं। लाहौर में 12 मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल शहरियों के सामने ये आ गया है कि जो बकरों की और जो गाय की कीमत है वो उनकी पहुँच से बिल्कुल बाहर है। गुज़िश्ता ईद पर जो जानवर 35 से 40 हज़ार रुपये में मिल रहा था, इस दफ़ा वो 60 से 70 हज़ार रुपया जो है उसकी कीमत मांगी जा रही है, और उसके ऊपर कोई लचक भी नहीं दिखाई जा रही, जिसकी वजह से लोगों की बड़ी तादाद यहाँ से मायूस होकर जा रही है। बच्चों की जानिब से हमेशा शोर किया जाता है कि इससे 5-7 दिन पहले जानवर को लेकर आया जाए, और यहाँ पर बच्चे जब आते हैं अपने वालदैन के साथ यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए जानवरों की, तो कीमतें सुनकर वो भी परेशान हो जाते हैं और लोग मायूस वापस लौट रहे हैं। अभी तक लोगों की बड़ी तादाद सिर्फ विजिट ही कर रही है मुस्लिम मंडियों में, रात गए तक लोगों की बड़ी तादाद मौजूद होती है ख़रीदारी के लिए, लेकिन जो कीमतें हैं उस हवाले से लोगों के काफ़ी तहफ़ुज़ात हैं। उनका यह कहना है कि महंगाई इस कदर ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस कदर जानवरों की कीमतें ज़्यादा हो गई हैं उसकी वजह से वो फिर इज्तमाही कुर्बानी की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर बकरा जो है वो लाहौर शहर में ईद कुर्बान की आमद के करीब 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार के दरमियान एक बेहतरीन और अच्छा बकरा मिल जाता था, लेकिन इस दफ़ा वो कीमत जो है वो 70 से 80 हज़ार तक पहुँच चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, और शहरी इस उम्मीद और इस आस के साथ हैं कि शायद कि ईद के करीब इनकी कीमतों में काफ़ी कमी देखने में नज़र आए, तो उस वक्त बकरा खरीदा जाए, क्योंकि इस वक्त आपने हमें ये तो बताया कि जो सूरत हाल है कुव्वत खरीद नहीं है और लोगों की पहुंच से बाहर हैं कुर्बानी के जानवर। अच्छा, इंतजाम कैसे हैं? कहा जा रहा था कि जी सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे, यहाँ पर आएंगे एसी साहिबान आएंगे खास तौर पर, वो आके चेक कर रहे होंगे, ऐसा भी कुछ है निज़ाम या यहाँ पर ऐसा कोई निज़ाम नहीं? हमजा, ये तो आपने एक लतीफ़ा ही सुना दिया जहाँ के हालात देखकर, क्योंकि यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आप सड़क से उतरें साथ मंडी में चले जाएं, ना आप मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, ना यहाँ पे सामाजिक फासले का ख्याल रखा जा रहा है, ना कोई यहाँ पर कोई सैनिटाइज़र है जो उसको इस्तेमाल किया जा सके, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद क्या करवाना है। यहाँ पर व्यापारियों की ये शिकायत है कि यहाँ पर उनको पानी नहीं मिल रहा जो अपने जानवरों को पिला सके, वो खुद पी सके, जबकि साथ ही साथ जानवरों के चारे के हवाले से भी उन्हें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, और उनका यह कहना है कि यहाँ पर सिर्फ एक दाखिली रास्ते पर एक कैंप लगा कर सिर्फ खाना पूरी की गई है, और लोगों को सिर्फ ये कहा जा रहा है कि वो आएँ और कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद करें, लेकिन अमली तौर पर इस वक्त और शहर की किसी भी मंडी के ऊपर कोई SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा, और ख़ास तौर पर ये जो व्यापारी हैं पंजाब के दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर जानवर के वो फरोख्त करने के लिए आए हैं, उनके जहन में तो कोरोना नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वो कोई कोरोना के किसी नाम को ही नहीं जानते, ऐसे जैसे कि वो इस तरह का बिहेव करते हैं। इस जगह जगह पर उनकी गैदरिंग हो रही है, आप सुबह के वक्त ही यहाँ पर तकरीबन 20-25 लोग एक ही चारपाई पर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। तो अगर हम बात करें इस वक्त कोरोना SOPs की इन मंडियों पर अमल दरामद की, तो वो तो बिल्कुल सिफर है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर, उसके बाद TMO का अमला, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला, ये सिर्फ यहाँ पर विजिट करता है और सिर्फ ये खाना पूरी के लिए यहाँ पर मौजूद है। अमली तौर पर यहाँ पर, क्योंकि आप खुद को आपको पता होगा कि चौथी वेव के हवाले से NCOC की जानब से मुतद्दिद बार आगाह किया जा रहा है कि शहरी जो हैं इसको ज़रा सीरियस लें, मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ मेरे अलावा और एक दो लोगों के अलावा बाकी किसी ने भी कोई भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है, और ये किसी बड़े दोबारा से उस वेव का बनता हुआ नज़र आ रहा है नज़ारा, जो कि पहले लोगों की जानिब से लाहौर शहर में देखी गई, जिसकी वजह से मुतअद्दिद हलाकतें भी हुई। तो अभी तक यहाँ पर कोई इस तरह के हालात नहीं है कि लोग। अच्छा, ठीक है फहीम, हमें आप ये बताइएगा, आपने ये तो बता दिया कि वहाँ पर इंतजाम नहीं है, किसी को चेक नहीं किया जा रहा है, खाना पूरी भी तो की जाती है, कोई फ्लेक्सेस लगाई गई हैं, कोई बैनर्स आवेजा किए गए हैं वहाँ पर कि जी पता लगे कि कोई कोरोना वायरस भी है उसका ख्याल भी रखना है, चलें चेक तो नहीं रखा जा रहा, ये खाना पूरी की गई। अच्छा, जब भी कोई मंडी लगाई जाती है ना, तो उसके दाखिली रास्ते पर एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक कैंप लगा दिया जाता है, एक वेटरनरी डॉक्टर का एक कैंप लगा दिया जाता है, इसके साथ एक कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए एक कैंप लगा दिया जाता है, और 2-3 फ्लेक्सेस लगाकर सिर्फ ये काम किया जाता है कि लोग जो हैं वो इसके ऊपर अमल दरामद करें। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं ये दूर दराज के लोग हैं, जो कि मेरे उनको जानवरों पालने का उनका काम है, उनको तो फ्लेक्स पढ़ना भी नहीं आता होगा कि वहाँ पर
फ्लेक्स पे लिखा क्या हुआ है। इसके लिए उन्हें जो है आगाही जो है यहाँ पर स्टाफ की जानिब से फराहम की जानी चाहिए थी। यहाँ पर जो लोग मंडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मामला को कंट्रोल करने के लिए मौजूद है उनकी जानिब से सख्ती की जानी चाहिए थी कि लोग जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासले का ख्याल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, लेकिन इस तरह की कोई भी आगाही मुहिम जो है वो जिला इंतजामिया की जानिब से नहीं चलाई जा रही, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग भी आ रहे हैं वो लाहौर के लोग भी जो आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए वो तो थोड़ी सी इख्तियात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दुकानें खुली हुई हैं, जो व्यापारी बैठे हुए हैं, इस ये तमाम लोग जो हैं कोरोना एसओपीज को यकसर नजरअंदाज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, यकसर नजरअंदाज किया कोरोना एसओपीज को। बहुत शुक्रिया फहीम, आपने हमें तफसीली तौर पर आगाह किया कि मवेशी मंडियों में एक्चुअल सूरत है। जितने भी दावे कर लिए जाएं, जितने भी एसओपीज बना लिए जाएं, जितने भी ऐलानात कर लिए जाएं, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली जाएं, लेकिन अगर अमली तौर पर कुछ नहीं किया जा रहा होगा तो उन तमाम एसओपीज का बताने का, उन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ऐसे कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमजा हम देखते हैं, हम तो हालांकि बार बार हर प्रोग्राम में हम लोग अपना जो स्टार्ट है वो लोगों को अवेयर करते हैं कि इस चीज़ के ऊपर ना आप लोग जाएं, एहतियात आप लोगों ने करनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है, लेकिन जो बकरा मंडियों का हाल है इंतजामिया की भी तो जिम्मेदारी है, इंतजामिया को भी तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा और जाकर वहाँ पर चेक रखना होगा। खैर, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे।